मैंने गाड़ी एक जगह पे पार्क कर दी है और अभी जो है हम जा रहे हैं अपना सामान लेने के लिए। तो इस तरीके से रास्ता है जहाँ पे हमने अपना कैंपिंग टेंट लगाया था, और यहाँ पे जहाँ भी मैं दिखाऊँ अगर तो वादियाँ ही वादियाँ एकदम मस्त सी है। तो इस तरीके से रास्ता है जहाँ से हमें होकर जाना है। तो इस तरीके से सीढ़ी नुमा खेत यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी, और कुछ देर बाद आज हमारा यहाँ से निकलना है। तो पहले तो दनगढ़ी पहुँचना है, उसके बाद ही गांव जा पाएंगे, और अभी ऑलरेडी ही एक से ज़्यादा हो चुका है, देखते हम कितनी देर में पहुँचते हैं। इस तरीके से यहाँ पे और भी टेंट लगे हुए हैं, और इस तरफ भी, और हमारा जो है टेंट वो रहा वहाँ पर। तो वहाँ तक हमको जाना है, चलिए इधर से ही रास्ता ऐसे ही जाता है, बाकी इस तरह से हमारा इधर जाने का रास्ता है। ये रहा, तो अभी हम लोग जो है खाना वाना खा के तब यहाँ से निकलेंगे, तो देर ना करते हुए हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। A few moments later. So, hello दोस्तों, अभी जो है हम निकलने वाले हैं, तो इस रास्तों से जो है हमें जाना था, हम सारा सामान लेकर आ गए हैं, तभी जो है सब कुछ लोडिंग हो रहा है। तो इस वाली बाइक पे सब कुछ जैसे पहले आए थे वैसे ही हम जाएंगे, सारा सामान इस पे लोड होकर मैं अकेले आराम से जो है बैठ कर जाऊँगा इस पे। तो ऐसा वाला सीन है, और उन पहाड़ों पे जाके हम वापस भी आ चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया यार, और थोड़ा बहुत मैंने खाना खा लिया है, बाकी बीच में अगर कहीं ब्रेक लेंगे तो फिर वहाँ पर हम अच्छे से खा लेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेंगे। और अभी जो है यहाँ से धनगढ़ी हमें लगभग 5 घंटे लग जाएंगे, तो मतलब 6-7 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे। सो फाइनली सारा सामान जो है हमारा अपलोड हो गया है, अब हम जो है निकलते हैं बिल्कुल यहाँ से। तो सारा सामान हमारा पैक हो चुका है और लोड भी हो चुका है इस तरीके से, अब हम जो है बस निकलने की स्थिति में हैं। तो चलिए यहाँ से बस इसको निकालते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोले शिव शंकर महादेव की जय। तो मैं थोड़ा सा आगे आगे चलूँगा, बिल्कुल एकदम मस्त सा एक्सपीरियंस रहा है हमारा, बहुत अच्छा हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। मैं इन पहाड़ों को इन वादियों को शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा, बहुत ज़्यादा धुआंधार हो गया भाई। तो यहाँ डस्ट की प्रॉब्लम भाई बहुत ज़्यादा है, जब तक कि रास्ता जो है क्लियर नहीं बनता। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा हमें, उसके बाद तो भाई एकदम मौज ही मौज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जैसे जो है नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जो है अभी भी लोग जा रहे हैं उस तरफ, और हम जो है वापस निकल चुके हैं। तो थोड़ा सा जो है अब मुझे लग रहा है रात हो जाएगी, थोड़ा सा क्या मतलब लगभग रात हो जाएगी, बट कोई नहीं, हम टाइम से जो है नहीं पहुँचे तो क्या हुआ, हमें जो है अच्छे से ठीक ठाक सही सलामत जो है पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी हम आगे चलते हैं बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे जो है हम लोग बराबर उतरते ही जा रहे हैं, और जितना हम नीचे जा रहे हैं हवा का दबाव थोड़ा सा अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा था और नीचे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये काफ़ी सुंदर सा गांव यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बसाया है, छोटी सी मार्केट भी है यहाँ पे, छोटे छोटे से घर हैं देख सकते हो, यहाँ पे पहाड़ी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। छोटा सा गांव, Thank you.
तो फाइनली हमने मौसमी जो है 3 किलो हमने ले लिया है। अब देखते हैं यार इसको कहीं एडजस्ट करते हैं। तो संतरे तो भाई मिले नहीं, अब हम लोग जो है निकल चुके हैं आगे की तरफ। देखते हैं अगर कहीं संतरे मिलते हैं तो फिर हम संतरे ले लेंगे। और संतरे को यहाँ पर सुंतला बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ की लैंग्वेज में, थोड़ा थोड़ा सा, तो उसी में मेरा मतलब काम चल जाता है कि कुछ अगर लेना हो, पूछना हो किसी को या कुछ बताना हो तो मैं छोटा सा मतलब कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। कती को भाई? 60 रुपये किलो भाई? नहीं 50 माँ, 5 किलो चाहिए हम यहाँ लाई, 5 किलो। अब बाबा ले सोध दूँ सब राम रो हो यस माँ। यो तो नहीं लाओ ले आई ना, यो राम रो सही, ये बहुत छोटा छोटा, ठुलो ठुलो रखनु भाई। अनि नाम के हो तिम्रो? शिशिर। शिशिर नि कुन क्लास में पढ्छौ तपाई? 6 क्लास में। ए राम्रो राम्रोसँग पढ्नु है। हामीहरु सबै इन्डियाबाट आको। हाँ हाँ बड़ा बड़ा छाटो। अनि बारी कहाँ हो इसको? बारी? हाँ बारी तो चलो 5 मिनट 5 मिनट लग्छ। यो कति भयो? यो लगा 3 किलो। तो दोस्तों काफी दूर चलने के बाद हम अभी जो है इस तरीके के जो है रास्तों पर आ चुके हैं, जो कि रास्ता अभी काफी लंबा है। अभी हमें निकले हुए वहाँ से करीब करीब 1.5 घंटा होने वाला है। बीच में हमने काफ़ी लंबा सा ब्रेक लिया जब हम सुंतला खरीद रहे थे, और उसके बाद अभी जो है काफ़ी लंबा रास्ता है यार, धनगढ़ी तक जाना है हमें। घर का व्यू भाई एक नंबर है, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा था। देखो रास्ता नीचे गया हुआ है, बिल्कुल मस्त सा। एकदम बहुत मस्त था। तो इस ब्रिज के पास इस तरफ जो है क्या हसीन से नज़ारे हैं, और इस तरफ भी अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ भी नज़ारे हैं। तो ये जो है बीपी नगर है, यहाँ पे भी हमारे साथ ही कुछ लोग रुके हुए थे जो हमसे पहले निकले थे। ओहो मुर्गियाँ रोड पे टहल रही हैं। यहाँ पे होटल लॉन्च मतलब छोटी छोटी चीज़ें सब मिल जाएंगी, छोटे छोटे से हैं यहाँ पे, मतलब रूम वगैरह आपको मिल जाएगा। बाकी कैफे वैफे भी हैं जहाँ पे आप नाश्ता वास्ता कर सकते हो। Our hearts beat to the city streets, we begin to feel the fire, we rise like tall buildings। ड्राइव करते करते हो गई है शाम, और शाम के बज रहे हैं अभी 5, तो 5 बज रहे हैं, काफ़ी मतलब टाइम हो चुका है। और हमने अभी तक वैसे वो ब्रेक लिया था जो कि लास्ट टाइम था, उसके बाद हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। अब जो है हम नॉर्मली मतलब आराम आराम से भाग भगाते हुए ले जा रहे हैं, क्योंकि भाई ढलान का एरिया है और थोड़ा सा यहाँ मतलब हिसाब किताब बरतना पड़ेगा। काफ़ी आनंदमय ये जो ट्रिप रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का जिन्होंने इस तरीके से जो है हमारी ट्रिप इतनी मंगलमय जो है बनाई। और धीरे धीरे करके हम बिल्कुल प्लेन पे पहुंचने वाले हैं।
हर मोड़ पे जो है हम और नीचे आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो यही है भाई गोदावरी का पुल, देख सकते हो आप, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर ड्रेसेस हैं कुछ और लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। चलिए तो आगे। तो यार रुकने का प्लान था बट हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि यार एक तो टाइम बचा नहीं हमारे पास, ऑलरेडी वी आर लेट। तो ये गोदावरी जो है इस तरीके से आप यहाँ के पुल पर जो है देख सकते हो, इस तरीके से जो है ब्रिज है और यहाँ पे ये कल्चरल ड्रेस पहनकर जो है फ़ोटोज़ क्लिक हो रही हैं, जो कि रेंटेड यहाँ पे जो भी ड्रेसेस होती हैं वो रेंटेड यहाँ पर मिल जाती हैं। और सो फाइनली दोस्तों ये सफ़र यहीं तक था और जो है मैं सुमित अब यहीं से अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी टहल कर। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो आप आराम से जो है एंजॉय करिए लाइफ को और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।